इबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति शस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय शतां विभूतयः। अर्थ समझ में आया कि नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल नहीं खाते, जो संत पुरुष हैं यानी कि जो सज्जन पुरुष हैं वो परोपकार के लिए होते हैं। ऐसे ही संत आप भी हो सकते हैं जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। इस वीडियो को अगर पूरा नहीं देखेंगे तो गलती आपकी होगी और पछताना भी आपको ही होगा, और अगर देख लिया उस पर चल लिए तो आपके व्यक्तित्व में, आपके करियर में, आपके जीवन में चार चांद लगने ही हैं। मैं उन गुरुओं में नहीं हूँ जो केवल और केवल मात्र लोगों को साधनाएं बताते हैं, मैं जीवन के हर मार्ग में आपका सहयोग करता हूँ। चाहे आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान हों, या आर्थिक समस्याओं से परेशान हों, या किसी भी बाधा से परेशान हों, उसमें मैं आपकी मदद करता हूँ। मैं रसवैद्य आचार्य सुशील कुमार शर्मा आपका सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हरिओम। 7 जनवरी 2021 है आज, और आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। 14 जनवरी 2021 को और 15 जनवरी 2021 को 2 दिन का हमने शिविर रखा है, जिस शिविर में आपको कोई एक ऐसा बिजनेस प्रदान किया जाएगा, उसकी शिक्षा दीक्षा दी जाएगी जो कि आपके जीवन को खुशियों से भर देगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी का राज 3 लोकों में है। कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं, परंतु अगर ये अर्थ नहीं है, धन नहीं है, तो बाकी के पुरुषार्थ बेकार हो जाते हैं। तो अगर जीवन में संपन्न जीवन जीना है, संपन्नता के साथ जीना है, बाधाओं से मुक्त जीवन जीना है, तो साधनाएं करनी है। और साधनाएं ही क्यों, आपको ऐसा कोई व्यापार, ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई अध्यवसाय आपको करना ही होगा जो कि आपको ही नहीं, आपके बच्चों को, उनके बच्चों को, और उनके बच्चों को भी, और आगे करके कई पीढ़ियों को आर्थिक आज़ादी दे देगा। यानी कि धन संबंधी चिंताओं से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दे देगा। आपको पता है रोजी रोटी कमाने के लिए आदमी अपना गांव, अपना शहर जहां पर उसके प्रियजन रहते हैं उसको छोड़ करके एक अज्ञात शहर में जाता है, अज्ञात प्रदेश में जाता है, अज्ञात देश में चला जाता है, केवल और केवल रोजी रोटी के लिए। क्यों गया? क्योंकि उसके पास व्यवस्था नहीं थी। जीवन कैसे जिए इसके लिए उसने जद्दोजहद की और वो निकल गया घर से। लौटा या नहीं लौटा ये तो नियति जानती है, कुछ तो वहीं बस जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं, और जीवन भर काम करने के बाद भी जब लौट करके आते हैं तब भी उनके हाथ में कुछ होता नहीं है। फिर वो बच्चों के सहारे उनकी ओर मुंह ताकता है और बुढ़ापा उसका बिगड़ जाता है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि जहां हम रह रहे हैं वो स्थान भी हमें छोड़ना पड़े, और यदि छोड़ना भी पड़े तो 10-5 किलोमीटर दूर ही सही, जिससे कि शाम को आप घर पे आ जाएं। आप उस काम को करें और धन इतना प्राप्त हो
कि आपकी पीढ़ियों को यह सोचने की ज़रूरत ही न पड़े कि हम क्या करेंगे जीवन में, कैसे जिएंगे, ये सब ना हो। बहुत सारे ऐसे व्यापारिक घराने हैं जिनके पुरखे कुछ भी हाथ में लेकर के नहीं आए थे। खुद एक ऐसा उनका जीवन था कि आज सवेरे रोटी खा ली तो शाम को खाएंगे कि नहीं खाएंगे, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये उनको पता नहीं था। परंतु जब भाग्य साथ देता है वो ऐसे बने कि आज वो हजारों लोगों को रोजगार तो दे ही रहे हैं, स्वयं भी इतना कमा रहे हैं कि वो कई पीढ़ियां भी उस धन को कभी खर्च नहीं कर पाएंगे। क्या आप भी चाहते हैं ऐसा ही? तो सबसे पहले गुरु पर विश्वास करना सीखो। वो जो साधना दे रहा है उस साधना को करना सीखो, पूर्ण दमखम के साथ, वेग के साथ साधना को करें। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् रामचरितमानस में कि माता पिता और गुरु की सलाह को, उनकी आज्ञा को बिना सोच विचारे ही अमल में लाना चाहिए, उसको करना चाहिए, क्योंकि ये आपके हेतु होते हैं, आपका भला चाहते हैं, तो आपको उस बात को मानना ही है। अगर आप नहीं मानते हैं तो नुकसान आपका होता है। तो जो 14 जनवरी का शिविर है, 15-14 जनवरी को आप आते हैं या नहीं आ पाते हैं, आप अपने घर बैठ करके दीक्षा लीजिए वीडियो कॉलिंग के जरिए। यहाँ से साधना किट आपको भेज दी जाएगी और आप उस साधना को तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो आपको बताया जाएगा वो बिजनेस भी आप करेंगे, सारे लीगल सर्टिफिकेट भी हम आपको बनवा के दे देंगे। अगर आपके पास कार्यशील पूंजी नहीं है, आपके पास धन की समस्या है, 5 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए तक भारत सरकार लोन देती है, आप कहेंगे कि लोन मिलता किसको है? जब आपको नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, आप पेचीदगियाँ उसकी जानते नहीं हैं, थक हार करके बैठ जाते हैं, बैंक का मैनेजर आपको भगा देता है। जब कोई समर्थ व्यक्तित्व आपके सामने होगा, आपके पास होगा, वो सब आपको बताएगा और आपकी जीवन की नैया सुखद रूप से आगे चलने लगेगी। और जब आपको हम सफल कर देंगे, जब आप कमाने लगेंगे, तो GST सहित जो भी सारे काम भी हम आपका देखेंगे और लाभांश का आपसे हम 10% चार्ज करेंगे, ये मैं खुल के कह रहा हूँ, पहले तो नहीं, लेकिन जब आप सफलता प्राप्त करेंगे तो आप मेरे साथ गद्दारी मत करना, मुझे तो आपके साथ करना ही नहीं है, मुझे तो आपका हित ही साधना है। इस प्रकार से आपका कार्य भी हो जाएगा और गुरु का जो ऋण है आपके ऊपर वो भी आप क्रमशः उतारते रहिएगा। वैसे तो हमारे जो इस शिविर में हर प्रकार की साधना का ज्ञान आप ले सकते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत तमाम बातों के उस दिन अगर लक्ष्मी साधना का ज्ञान लेते हैं, विशेषकर सहस्र लक्ष्मी साधना का, तो ये साधना इसी बराबरी लक्ष्मी साधनाओं में तमाम है, लेकिन ये इसकी साधना चूँकि अल्पकालिक साधना है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है, तो मैं समझता हूँ इसकी टक्कर लेने वाली कोई भी ऐसी साधना नहीं है जो आपके जीवन को सम्यक रूप से ऊर्जा प्रदान कर सके। अब आप ये कहेंगे कि अगर साधना ही सब कुछ होती है तो फिर मुझे बिजनेस करने की क्या ज़रूरत है?
आपको बताता चलूं कि अगर मैं आपसे कहूंगा कि अमुक चीज पानी दूध या कोई चीज मुझे दीजिए, तो आप बिना पात्र के कैसे देंगे मुझे? उसी प्रकार से साधना तो आपको कुछ देना चाहती है, पर आपके पास ऐसा कुछ अगर साधन नहीं है व्यापार जैसा, तो साधना कहाँ से मिलेगी? आपका आपकी छत नहीं टूटेगी, छत से द्रव्य नहीं गिरेगा, आपका छप्पर भी नहीं टूटेगा। ये सब अनलगल और बकवास बातें हैं जो लोग कहते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर देव आपको कुछ देना चाहता है तो आपको पात्र बनना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कोई अमुक धनी रिश्तेदार मर जाए, वो मुझे नाम कर जाए, दूसरे की जमीन मिल जाए, दूसरे का धन मिल जाए, गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, ये रास्ते में पड़े हुए 10 लाख रुपए मिल जाए। ये सब मूर्खता की बातें हैं और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। आपके हाथ हैं, भगवान ने दिए हैं, और ये दिमाग दिया है, दिमाग से सोचिए, हाथों को काम पे लगाइए। जब ये हाथ कर्म करेंगे तो फल ऊपर वाला अपने आप देगा, उसको फल देने से कोई रोक नहीं सकता। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं श्री गीता जी में, कर्मण्याधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म करता चल, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि जब आप कर्म करते हैं तो फल तो निश्चित रूप से मिलेगा ही। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करेंगे तो ऐसा मिलेगा। समझ गए होंगे आप। इसी के साथ इस वीडियो से आपसे विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। हरिओम।